सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, जो कि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। और आज की हम जो वैकेंसी की बात करेंगे, ये एक गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है। अप टू आपको 1,40,000 से ऊपर आपकी सैलरी रहने वाली है, तो अच्छी पोस्ट है दोस्तों। इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पूरी जरूर जाने, ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो सके, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, सारी चीज मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो अप्रैल 15, 2021 को निकाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वेरियस पोस्ट इसमें इंक्लूड की गई है। आप देख सकते हैं 4 नंबर पे नर्स की पोस्ट है, भी पे लेवल है दोस्तों, इसमें 7th दे रखा है। और अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल की एक पोस्ट है दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है। इसमें आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सब कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर जनरल की पोस्ट है, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों आपको कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म आप देख सकते हैं 30 अप्रैल से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 5 मई, ठीक है। उससे पहले पहले आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी वहां पर जमा करानी होगी, ये चीज इसमें इन्होंने मेंशन कर रखी है। हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है 5/5/2021। अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्टाफ नर्स के लिए, वो भी हम बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो 4 नंबर अपनी पोस्ट है, हाँ, नर्स की पे लेवल दोस्तों 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए मिलेगी। अनरिजर्व की एक पोस्ट है, कोड नंबर 4 इसमें दे रखे हैं। एमएससी नर्सिंग जिन्होंने 50% मार्क के साथ की है वो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनी किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में दोस्तों बात करेंगे तो वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ न्यू मेडिकल इक्विपमेंट का, एक्सरे मशीन का, ईसीजी, सोनोग्राफी वगैरह सारी चीजों का। तो यहाँ तक थी इंफॉर्मेशन आपके इंपोर्टेंट चीज की, कब तक अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, फिर भी कोई लगे डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।